हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोबोटिश। आज हम फिर से एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के साथ आए हैं। आज हम एक स्मार्ट नाइट लैम्प बनाएंगे जो अंधेरा होने पर ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा। उससे आप कोई अपनी घर की एलईडी या कोई भी लाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं, एंड उसको आर्डुइनो की मदद से बनाएंगे हम, एंड साथ ही में उसका पूरा कोड भी अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम देखते हैं हमको अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। सबसे पहले हमको एक आर्डुइनो बोर्ड चाहिए, उसके बाद हमें 3 एलईडी लाइट्स चाहिए, कुछ कनेक्टिंग वायर्स, एक ब्रेडबोर्ड, एक एलडीआर सेंसर, एक 220 ओम का रेजिस्टर एंड एक 100 किलो ओम का रेजिस्टर, और साथ में हमको एक पावर सप्लाई भी चाहिए। इस प्रोजेक्ट में जो भी हमने मटेरियल यूज़ किया है उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं एंड हमारी आप वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर इसका आर्टिकल, स्कीमेटिक, कोड और जो भी सामान यूज़ किया है उसका लिंक, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा एंड आप वहाँ से इसे ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना ब्रेडबोर्ड और आर्डुइनो लेंगे। अब हम अपने ब्रेडबोर्ड पर 3 LEDs कनेक्ट करेंगे जिनके टर्मिनल एक साथ जॉइंट होंगे। हम इसका पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड में रखेंगे। हमने अपनी LEDs कनेक्ट कर दी हैं। इसके साथ हम एक 220 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे जो इसके नेगेटिव टर्मिनल से ग्राउंड तक जाएगा। तो मैंने रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया है, ग्राउंड रेल से कनेक्ट हो गया। यहीं पर हम साइड में अपना LDR सेंसर भी कनेक्ट करेंगे और अपने LDR सेंसर की एक साइड पर हम एक 100 किलो ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे एंड वो भी ग्राउंड रेल से कनेक्टेड होगा। अब हम आर्डुइनो की ग्राउंड रेल को ब्रेडबोर्ड की ग्राउंड रेल से कनेक्ट कर देंगे। तो हमने आर्डुइनो की ग्राउंड पिन को ब्रेडबोर्ड की ग्राउंड रेल से कनेक्ट कर दिया है। हम अपने LDR सेंसर की एक साइड से, जहाँ पर हमने रजिस्टर लगाया उसी साइड से एनालॉग पिन नंबर 0 से कनेक्ट कर देंगे एंड दूसरी साइड को एक 5 वोल्ट की आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे। अब हम अपने LEDs के दूसरे एंड को, जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, उस एंड को पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर देंगे, आर्डुइनो के डिजिटल पिन नंबर 3 से। अब हमारे कनेक्शंस हो गए हैं, अब हम इसमें कोड अपलोड कर सकते हैं। तो अब हम एक बार अपने प्रोजेक्ट का कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेटअप फंक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले सीरियल मॉनिटर टर्न ऑन कर दिया, उसके बाद हमने अपनी LED की पिन डिफाइन कर दी, पिन 3, जो कि एक आउटपुट है, एंड हमने अपनी जो LED पिन है वो पिन 3 से कनेक्ट करी है सब। उसके बाद हम लूप फंक्शन में देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक इंटीजर डिफाइन किया है जिसमें एनालॉग रीड फंक्शन से हमारा जो LDR सेंसर है उसकी वैल्यू रीड करेगा। उसके बाद हमने उसकी वैल्यू प्रिंट कराई है अपने सीरियल मॉनिटर में। उसके बाद हमने एक इफ एल्स फंक्शन लगाया है जिसमें अगर सेंसर वैल्यू, जो हमारी वैल्यू आएगी अपने LDR सेंसर से, वो अगर 950 से कम है तो हमारी जो पिन नंबर 3 पे LED है वो हाई हो जाएगी, यानी कि वो ग्लो करने लग जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता, अगर वैल्यू उससे ज़्यादा है तो हमारी जो पिन नंबर 3 पे LED लगी है उसकी वैल्यू लो हो जाएगी, यानी यहाँ पे हमने डिले 0 का दे दिया। आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपने रूम के अकॉर्डिंग, वहाँ पर कितनी लाइटिंग है उसके हिसाब से। एक बार आप चेक कर सकते हैं किस रेंज में वैल्यूज आ रही हैं एंड इसको एडिट कर सकते हैं। तो यही था छोटा सा कोड गाइज, आई होप कि आपको अच्छे से समझा गया होगा। तो गाइज, अब हमारे आर्डुइनो में कोड अपलोड हो गया है। अब हम इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करके यूज़ करके देखते हैं। तो ये रही मेरी पावर सप्लाई। तो अभी आप देखते हैं हमारी LEDs ऑफ हैं। तो मैं अपने LDR सेंसर के ऊपर हाथ रख रहा हूँ, उसको कवर कर रहा हूँ कि उसके ऊपर लाइट रेस ना आए, एंड आप देख रहे हैं हमारी LEDs ग्लो कर रही है उससे। तो जैसे हमारा LDR सेंसर अच्छे से कवर हो रहा है, उसमें लाइट रेस नहीं आ रही है, तो ये हमारी LEDs ग्लो कर रही है। आप इसे अपने रूम में एक नाइट लैम्प की तरह यूज़ कर सकते हैं, या आप इसके साथ अपने रूम का नाइट लैम्प कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको इस सेंसर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे ही अंधेरा हो तो वो जल जाए। एंड आप इसे अपने गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ही अंधेरा हो आपकी लाइट्स ऑन हो जाएं। इसकी काफ़ी सारी डे टू डे एप्लीकेशन हैं, इसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में गाइस, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। हमारी और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।